हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, हम आ गए हैं घटना चक्र की पहली प्रैक्टिस सेट लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है UPPCS, उसी के लिए साथियों घटना चक्र की आज की हमारी यह पहली टेस्ट सीरीज है। यह GS की टेस्ट सीरीज है साथियों, सामान्य अध्ययन की फुल प्रैक्टिस सेट है और पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन का है। तो इसमें मिक्स टाइप के प्रश्न हैं साथियों, सभी टाइप से जितना आपका सिलेबस है UPPCS में, पूरा का पूरे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप सबको तो पता होगा साथियों घटना चक्र के बारे में, घटना चक्र ऐसे ही क्वेश्चन बनाया है। आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसमें जितने भी प्रश्न हैं ऐसे ही सभी प्रश्न हैं, दो टाइप के। घटना चक्र को आपको पता है वो दो टाइप के प्रश्न बनाता है। एक तो नए प्रश्न बनाता है, ये नए प्रश्न इस आधार पर बनाता है जो पिछले कई कई एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न होते हैं, उन्हीं रिपीटेशन के आधार पर कुछ नए प्रश्न बनाए जाते हैं जिनकी एग्जाम में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। या तो ऐसे प्रश्न हैं, दूसरा ऐसे प्रश्न हैं साथियों जो एग्जाम में कई कई बार रिपीट हुए हैं विभिन्न आयोगों में, वो रिपीटेशन वाले प्रश्न हैं। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि साथियों हमारे इस मंच पर जैसे महत्वपूर्ण जो प्रमुख और महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं, जैसे दृष्टि IAS, देह IAS, GS वर्ल्ड, ऐसी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं उन्हीं संस्थाओं की टेस्ट सीरीज करवाई जाती है। तो साथियों हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा घटना चक्र की पहली टेस्ट सीरीज क्या है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, आप लोग एक भी क्वेश्चन न छोड़िएगा, पूरा जरूर देखिएगा। देखें क्या है हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न। पहला प्रश्न साथियों हमारा करेंट अफेयर से रिलेटेड है। एशियाई खेल 2022 के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें बताना है कि हमारा कौन सा कथन सही है, उसी को विकल्प चुनना है। तो साथियों एशियाई खेल 2022 के संबंध में आपको पता होगा यह चीन में हुआ था सितंबर और अक्टूबर के बीच। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि एशियाई खेलों का यह 19वां संस्करण था। जी भाई, यह 19वां संस्करण ही था, पहला तो सही है। दूसरा साथियों कह रहा है भारत एशियाई खेलों में 107 पदक जीता, बिल्कुल 107 पदक भारत ने जीता था और 107 पदक जीतकर भारत चौथे नंबर पर था, लेकिन इसमें दे दिया है तीसरे स्थान पर, तो गलत है, तीसरे का स्थान पर चौथा होना चाहिए था। तो ये वाला कथन हमारा गलत हो गया, पहला सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर, बहुत ही बढ़िया। देखें हमारा दूसरा प्रश्न मिलान वाले संबंधित है और मिलान वाला साथियों हमारा सवाल गलत नहीं होता है, बहुत बेहतरीन होते हैं मिलान वाला, आपको कभी ये प्रश्न निराश नहीं करेगा। देखें एक तरफ आपको सतत विकास लक्ष्य जो हैं उसके जो है कुछ नंबर दिए गए हैं और दूसरे संबंधित वो किससे संबंधित हैं उसे हमें मिला देना है। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा दिया है जो हमें पहले सबसे अच्छे से आता हो उसी को हम मिला लें। जो SDG 1 है वो निर्धनता यानी गरीबी को ख़त्म करने की बात करता है, ये निर्धनता नहीं यानी गरीबी को ख़त्म करने की बात करता है। SDG 3 जो है वह स्वास्थ्य और कल्याण की बात करता है, तो ये चला जाएगा एक पर। SDG 4 है साथियों यह शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, और एक हमारा बचा है SDG 6, ये स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की बात करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला दूसरा पे आना चाहिए, बी वाला एक पर आना चाहिए और सी वाला 3 पर आना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी दूसरे का, बहुत बढ़िया। चले हम लोग अगले प्रश्न पे देखते हैं तीसरे वाले में। तीसरा वाला भी साथियों मिलान से संबंधित है, बहुत बढ़िया प्रश्न। ऐसे प्रश्न साथियों बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि गलत नहीं होता है, आपको एक दो भी अगर आता है तो आप वहाँ से जो है नंबर निकाल के लेके जा सकते हो। क्या है तीसरे वाले में, एक तरफ रामसर स्थल दिए हैं और दूसरा तरफ कह रहा है ये किस राज्य में है उसे मिला दीजिए आप। तो एक यह बहुत फेमस है यहाँ पर साथियों, यह भोज आर्द्रभूमि जो है यह मध्य प्रदेश में है, आप सबको पता होगा यह मध्य प्रदेश में है भोज वाला। और यहाँ पर एक और जो फेमस है यह पोंग डैम झील, यह हिमाचल प्रदेश में है, यह तो हिमाचल प्रदेश में है। तो पहला दो पे होना चाहिए, डी वाला 4 पे होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से हमारा ये बन रहा है।
तो हमारा देखो हमने दो ही से मिला लिया, और मिलाना हो तो अब बी वाला एक पे चला जाएगा, बी वाला एक पे चला जाएगा, और बचा है हमारा एक आसन कंजर्वेशन, ये तो चलाएगा उत्तराखंड पे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चले हम लोग, ये तीसरा हो गया। चौथे पर देखें, चौथा पूछ रहा है साथियों, फैक्चुअल प्रश्न है छोटा सा, मानव सदृश यानी मानव जैसा लघुत्तम कपि क्या है, तो गिबन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा प्रश्न, गिबन। आगे देखें पांचवें में, पांचवें में भी मिलाने वाला प्रश्न है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस ज़्यादातर मिलाने वाला प्रश्न देता है, तो इसमें आपको चीज़ों को याद होना चाहिए। तो पांचवों में क्या है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, यहाँ पर मिलाकर हमें बताना है। तो यहाँ पर कुछ विटामिन्स के एक तरफ जैसे कुछ विटामिन्स एंजाइम हार्मोन दिए हैं मतलब, और दूसरी तरफ दिया गया है वो क्या है उसे मिलाना है। तो देखिए साथी, यहाँ पर ये हार्मोन दिया है, यहाँ पर हार्मोन क्या है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एक तरह का ये हार्मोन होते हैं, तो ये यहाँ पर चला आएगा। और एंजाइम ए पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है, तो ये इससे मिल जाएगा, यहाँ पर ये हो गया साथियों। और हमारा एक जो है ये प्रोटीन क्या है, ये कैरेटीन है, प्रोटीन क्या है, कैरेटीन। और एक विटामिन है, ये कैरोटीन है, ये दूसरे पर चलाएगा, विटामिन जो है वो कैरोटीन पे। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा उत्तर बन रहा है, ए दो पर आना चाहिए, बी एक पर आना चाहिए, और सी चार पे आना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, पांचवें का बी हो जाएगा उत्तर, यही सही है। आगे चलते हम लोग, देखते हैं भाई छठवें वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या देखें, इसमें भी मिलाने वाला है। सूची एक इधर दिया है कुछ दिवस, और सूची दो में ये कब, ये दिवस कब मनाए जाते हैं इसके बारे में है। तो साथियों हमें जो सबसे पहले आता है उसी को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो हमें पता है ये विश्व, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस साथियों 21 मार्च को मनाया जाता है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस ये वाला, तो ए वाला 3 पे होना चाहिए, डी वाला 4 पे, तो ए 3 पर, डी 4 पर। तो या तो ए होगा हमारा उत्तर, या तो डी होगा। इससे हमें अब एक और काम करना पड़ेगा, विश्व शौचालय दिवस हमें पता है 19 नवंबर को मनाया जाता है, तो सी वाला जो है वो हमारा 2 पर होना चाहिए, सी वाला 2 पर जिसमें होगा वही उत्तर होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यही उत्तर हमारा सही है, छठवें का ए हो जाएगा उत्तर। और बाकी एक यहाँ जो विश्व गौरैया वाला बचा है, ये मार्च में चला आएगा, यहाँ पर एक 20 मार्च को। इस तरह से आप लोग, कम ही आता है, अगर एक दो आता है तो उसे मिलाकर एलिमिनेट करें तो उससे आपका उत्तर निकल आएगा। अब हम लोग देखते हैं सातवें में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफीम का शीर्ष उत्पादक देश बन गया है। तो साथियों इसके पहले अफीम का शीर्ष उत्पादक देश जो था साथियों, ये जो है ये ईरान हुआ करता था, लेकिन एक इस बार ये जो जो नया डाटा आया है, इस बार म्यांमार हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ये अफीम उत्पादक में टॉप पर म्यांमार आ गया। आगे चले देखते हैं आठवें में, देखें आठवें में क्या पूछा जा रहा है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो कब, मतलब कैसे, आपसे पूछ जानना चाह रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो कैसे बना सकती है। तो राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे, यस मेरे भाई, क्योंकि राज्यसभा ही राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अगर ऐसा संकल्प पारित कर दे कि हाँ राज्य सूची पर इस विषय पर कानून बनाना बहुत मतलब जरूरी है, तो संसद बना सकती, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देखें नौवें में, संयुक्त सैन्य अभ्यास, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका नाम डेजर्ट साइक्लोन 2024, भारत और किस देश के बीच हुआ था, यानी पूछ रहा है ये डेजर्ट साइक्लोन 2024, ये जो युद्धाभ्यास हुआ ये भारत से हुआ था, और भारत ने किस देश के साथ ये युद्धाभ्यास किया था,
तो यूएई के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ें, देखते हैं क्या है यहाँ दसवें में। दसवां प्रश्न साथियों हमारा बहुत अच्छा है, देखने में बड़ा लगता है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपको डरावने टाइप के दिए जाते हैं, बच्चे डर जाएं, लेकिन वास्तव में जो प्रश्न बड़े होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं। देखें कितना सरल है ये। रुधिर वर्णिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में हीमोग्लोबिन बोलते हैं, हीमोग्लोबिन ही प्रचलित है। हीमोग्लोबिन संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर को देना है। तो साथियों क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लो ये तो सही बात है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही बात है। यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा करता है, तो यह रोगों के प्रति रक्षा यह नहीं करता है, ब्लड सेल्स होती हैं। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो ये यानी 1, 2, 4 हमारा सही होना चाहिए। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी, यही वाला दसवां का सी हमारा उत्तर सही है। तो देखा हमने, सिर्फ हमें एक चीज़ पता था, यह जो है हीमोग्लोबिन रोगों से रक्षा नहीं करता है, यानी 3 जिसमें होगा वो गलत, 3 इसमें था ये गलत, 3 इसमें था ये गलत, 3 इसमें था ये गलत। इस तरह से एलिमिनेट करके हम उत्तर को आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखें 11वें में देखते हैं हम क्या कह रहा है। सूची ही दिया है साथियों, फिर मिलान वाला। सूची एक में कुछ जो है बीमारी दिया है, सूची दो में उन बीमारियों का कारण दिया है क्या होती है, उन्हीं को हमें मिला देना है। तो साथियों हमें जो सबसे पहले क्लियर है एड्स, एड्स साथियों पता है वायरस यानी विषाणु से होता है, और गंजापन जो होता है वो कवक से होता है, ये तो हो गया हमारा ये। और ये अब हम देखें, मान लीजिए हमें 2 ही आ रहा है, तब हम इसको कैसे मिलाएंगे, बी 3 पर आएगा, सी 2 पर। तो बी 3 पर आएगा, बी वाला 3 पर आएगा, सी 2 पर आएगा, तो ये डी में चला जाएगा, तो यानी इसका उत्तर डी होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। और आपको पता है जो प्लेग है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा, और एक और जो हो जाएगा ये मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। इस तरह से हमारा उत्तर 11वें का डी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग 12वें में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जैव अपघटनी प्रदूषक हैं। जैव अपघटनी प्रदूषक में मतलब साथियों ये होता है जिसे सूक्ष्म जीव जो है ख़त्म कर देते हैं, यानी जो मतलब ख़त्म हो जाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ देखे, यहाँ तो एबेस्टस तो नहीं होगा, यहाँ पर पॉलीथीन दे दिया, ये भी नहीं होगा, पारा भी नहीं होगा, कागज़ तो हो जाएगा, तो इसीलिए लकड़ी, कागज़ और सीवेज जो होता है ये सब जैव अपघटनी है, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये ख़त्म किया जा सकता है। डी हो जाएगा उत्तर। 13 वाला हम लोग देखते हैं साथियों। अगर साथियों इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चले हम लोग देखें 13वें वाले में, बहुत ही बढ़िया साथियों। देखें यहाँ पर ये भी मिलान वाला है, और मिलान में क्या कह रहा है कि एक तरफ आपसे रामसर स्थल दे दिए हैं, कौन सा मतलब स्थल रामसर सूची में शामिल है, दूसरा राज्य, वो कौन सा रामसर स्थल किस राज्य से संबंधित है वो हमें बता देना है। तो समस्तपुर पश्चिम बिहारण साथियों ये उत्तर प्रदेश में है, समस्तपुर पश्चिम बिहारण उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िला में है, ये रायबरेली में, तो ये यहाँ से है, यानी ए वाला एक पे होना चाहिए। तो देखें हमारा एक ही से उत्तर पता चल गया। यदि आपको पता है समस्तपुर पंछी बिहार उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है, तो देख रहे हैं इसी से हमारा पता चल गया कि उत्तर हमारा ए होना चाहिए। तो और ये कुंथन कुलम पंछी बिहारण तमिलनाडु में, इसके नाम से ही पता लग रहा है क्योंकि तमिलनाडु का ऐसे नाम इसी तरह से संस्कृत टाइप में होते हैं। और सिरपुर पंछी, सिरपुर अर्धभूमि मध्य प्रदेश में है, पाला अर्धभूमि मिरोजम में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 14वें में साथियों क्या कह रहा है। US ओपन टेनिस 2023 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, इन्हीं कथनों से पढ़कर हमें सत्य कथन को बताना है। ध्यान रखिएगा कहीं असत्य पूछेगा कहीं सत्य, तो वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा सत्य है।
तो देखें पहले में क्या कहा है, महिला एकल का खिताब कोको ने जीता था, ये सत्य बात है, कोको गॉफ ने ही जीता था, और लेकिन वो एक करीना टाइप की नाम की लड़की थी, उन्हें हरा कर जीती थी। तो यहाँ पर अन्ना अन्ना डानी लीना को दे दिया है, तो ये नहीं था। तो उसने किसे हराया था साथियों, उनका नाम आप लोग को याद होगा, उनका नाम करीना, हाँ करीना टाइप का था, एरीना उनका नाम था, तो एरीना को हरा कर वो जीती थी, तो इसलिए यह गलत हो गया, क्योंकि यहाँ डानी लीना दे दिया है तो ये गलत हो गया। पुरुष युगल का खिताब साथियों यूएसए के राजीव राम तथा ब्रिटेन के सेलिस बरी ने जीता था। यस, जब पुरुष युगल का खिताब यही इन्हीं दोनों ने जीता था, जब एकल पुरुष की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता था, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल दो हमारा यहाँ सत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देखें 15 में, बहुत बढ़िया प्रश्न, देखें यहाँ पर भी मिलाने वाला ही है, और यहाँ पर हमारा गलत नहीं होना चाहिए मिलाने वाले में, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। देखें थोड़ा सा हम लोग इसको सेट करें, आप सही है। देखें सूची एक में दिया है और सूची दो में उसे दिया है कुछ, मतलब ये सवाल जो होते हैं आप हिस्ट्री में भी रख सकते हैं और पॉलिटी में भी। तो यहाँ पर जो कुछ कानून दिए गए हैं, मतलब ये नियंत्रक परिषद की स्थापना मान लीजिए हमें नहीं आता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमें कन्फर्म कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था वो नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के तहत हुआ था, ये चीज़ हमें क्लियर है। तो ये बी वाला एक पर होना चाहिए। तो देख रहे हैं साथियों ऑप्शन में, ये केवल ऑप्शन नंबर बी में एक जो है बी पर है और कहीं पर नहीं, तो हमें पता लग गया साथियों यह जो है उत्तर इसका बी होगा एक ही से। और बाकी हम लोग जानना चाहें तो इसके साथ जान सकते हैं, क्योंकि ये फेमस चीज़ें ये सबको याद रहती हैं, यहाँ पर घबराना नहीं है। तो ये हो गया, इसी से हमने अपना उत्तर को पकड़ लिया। अब जानकारी के लिए बता दें साथियों, इंग्लिश मिशनरियों का जो भारत में कार्य करने की अनुमति मिली वो इसी के तहत मिली थी, चार्टर अधिनियम 1813, और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य नियुक्ति ये इसके द्वारा हुआ था। और यहाँ पर ये हो जाएगा नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो ये हो गया हमारा, आगे चले हम लोग 16 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, तो सही सुमेलित है उसी को पकड़ना, यानी तीन गलत है एक ही सही है। तो संविधान का दूसरा भाग दिया है मौलिक अधिकार, नहीं मेरे भाई दूसरा भाग ये नागरिकता से संबंधित है, मौलिक अधिकार नहीं, तो ये गलत हो गया। संविधान का तीसरा भाग साथियों यहाँ दिया है नागरिकता, तो नागरिकता नहीं तीसरा मौलिक अधिकार से है, तो यानी ये भी गलत हो गया, उल्टा दे दिया है। संविधान का चौथा क यानी 4A जो भाग है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यही सही है साथियों, ऑप्शन नंबर सी यही उत्तर होगा। और संविधान का पांचवा भाग जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है साथियों, ये भी राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो DPSP यानी चौथे भाग में है, तो ये भी गलत हो गया, तो सही केवल सी है। आगे बढ़े हम लोग 17 में क्या कह रहा है साथियों, 17 में देखते हैं क्या है। यहाँ पर कुछ असत्य कथन को बताना है, असत्य कथन कौन सा है, तो हमें दोनों कथनों को पढ़ लेना है तब बताना है। देखें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 2011 में किया गया था, नहीं भाई इसका गठन 2010 में किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है कि पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उनको कानूनी झंझटों से हटाकर जल्द से जल्द कार्रवाई उन पर की जाए, यानी पर्यावरण मुद्दे को जल्दी से सॉल्व किया जाए, उसके लिए बनाया गया था, तो 2010 में बनाया गया था, तो ये गलत हो गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित हुआ, जी ये वाला सत्य है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना हमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये असत्य पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो गलत केवल एक था, ऑप्शन नंबर एक गलत है, बस ये हमारा उत्तर हो गया। आगे देखें 18 में,
भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट हैं। तो भारत में जो बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं? तो साथियों यहाँ पर जो दिया है, एक पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट, ये भारत के जो है हॉट स्पॉट हैं यहाँ दिए हुए ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। आगे देखें 19 में, देखें मैचिंग से सवाल, बहुत बढ़िया। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तब सही दिखाई देगा। आप सही है, एक तरफ कुछ संस्थान के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड अनुच्छेद दिए गए हैं, तो उसी को हमें मैच कराना है। तो देखें हम लोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये साथियों संबंधित है अनुच्छेद 148 से। तो ऑप्शन नंबर ये अनुच्छेद 148 से हो जाएगा, ये तीसरे से है, तो ए वाला 3 पर आना चाहिए। तो यानी अब हमें पता लग गया इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा और ये तो नहीं होंगे। अब आगे पढ़कर हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये संघ लोक सेवा आयोग, ये साथियों संबंधित है अनुच्छेद 315 से, तो यानी डी वाला 1 पर आना चाहिए। तो डी वाला 1 इसमें भी है, हमें फंसा दिया। अब इसके साथ हमें कुछ और देखना पड़ेगा और हमें क्या क्या आ रहा है। तो अंतर्राज्यीय परिषद प्रशासनिक अधिकरण जो है साथियों, वो है अनुच्छेद 263 से संबंधित है, अंतर्राज्यीय परिषद वाला। तो पहले ये 18 में हो गया, अंतर्राज्यीय प्रशासनिक अधिकरण जो है ये 263 से है। तो हमारा ये हो जाएगा 263। तो ये हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर, हमारा 19वें का जो उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये उत्तर हो गया इससे वाले में। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं, आगे बढ़ें। बाकी एक जो बचा है उसका हम लोग यहाँ कर दें, आगे बढ़ें 20वें का। तो जो आपको पहले आता है उसी को पहले मिला देना। आगे देखें 20वें में, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान आप लोग जब प्रस्तावना उसका पढ़ेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभु संपूर्ण प्रभुत्व तो संपन्न समानवादी पंथ निरपेक्ष, तो इस तरह से जब पढ़ेंगे तो उसमें संघीय शब्द नहीं है, बाकी ये तीनों शब्द आपको मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर इसका होगा। 21वां का क्या होगा? 21वें में देखते हैं हम लोग। 21वें में साथियों कह रहा है सही सुमेलित नहीं है, एक सही सुमेलित नहीं है, उसी को हमें बताना है कौन सा गलत सुमेलित है। 3 सही हैं और जो गलत है उसी को हमें बताना है। तो साथियों ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुआ था, ये तो सही है। एग मार्क संबंधित एक्ट ये 1937 में हुआ था, ये भी तो सही है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये 1986 में नहीं है, ये जयपुर में इसकी स्थापना हुआ था, ये जयपुर में 1988 में हुआ था, तो ये वाला यही गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब सही है, खाद्य मिलावट निरोधक कानून 1954 में, तो यही गलत था। आगे देखें हम लोग 22 में, जयभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में सीधा होता है? तो हमें पता है जयभार के पूछ रहा है बायोमास का जो पिरामिड होता है वह किस इकोलॉजिकल सिस्टम में सीधा होता है। सीधा होने का मतलब साथियों ये ऐसे पूछ रहा है, तो यह स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में यह सीधा होता है, जली में तो उल्टा होता है, ऐसे हो जाता है। तो आगे देखें हम लोग 23 में क्या है, निम्नलिखित में से किसे मेगा ड्राइवर देश के रूप में नहीं जाना जाता है? मेगा ड्राइवर देश का साथियों उससे रिलेटेड है, मेगा ड्राइवर देश में जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उस देश को मतलब सम्मिलित रूप से मेगा ड्राइवर देश बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में भी है, भारत में भी है, पेरू में, नेपाल मेगा ड्राइवर्स की श्रेणी में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। अब देखें 24 में, पिछौला झील किस राज्य की सूची में स्थित है? पिछौला झील तो राजस्थान, भारत के सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में तो नहीं लेकिन पश्चिम में है, तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा ट्रिक लगा कर सकते हैं। पिछौला भारत के पीछे है यानी पश्चिम राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो हम सबको पता है जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो राज्यों की भाषा के आधार पर मांग उठने लगी, तो सबसे पहले 1953 में ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था। फिर उसके बाद राज्य भाषा आयोग का गठन जो हुआ था 1956 में तो हुआ था, लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषाई आधार पर बना राज्य है। 26 वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो हमें पता है साथियों, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो 10 था, बाद में एक और जोड़ा गया, ये 11 हो गया 2002 में, तो जिसमें पेरेंट्स के लिए था कि अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर जरूर उपलब्ध कराएं, उसी लिए वो 11वां था। तो वो पूछ रहा है कौन सा ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। तो देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये तो है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका संजोए रखना यानी परीक्षण करना, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों में गठन में सहायता करना, तो ये साथियों DPSP अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। और बाकी ये भी है मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना, लेकिन सी वाला यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा उत्तर होगा। आगे देखें, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल में साथियों, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, जापान का एक शहर है क्योटो, वहीं जापान में COP3 के तहत वहीं पर एक सम्मेलन हुआ था। क्योटो में ये बात कहा गया था, क्योटो प्रोटोकॉल में, कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है उनमें कटौती करना, तो यह जिससे जलवायु परिवर्तन पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन संबंधित है प्रोटोकॉल, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में कमी करने की बात की गई थी, तो ग्रीन हाउस गैस में कमी होगा तो जलवायु पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखें, 28 में क्या है? इसमें परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें साथियों समस्थानिक आइसोटॉप कहलाते हैं। जैसे दो परमाणु आपके पास हो गए, ये देखिए, इनमें भी परमाणु के प्रोटॉन यानी परमाणु का परमाणु क्रमांक उतना ही होगा जितना उसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन इसमें भी बराबर है, प्रोटॉन इसमें भी, लेकिन इसके न्यूट्रॉन अलग अलग हैं। तो न्यूट्रॉन अलग अलग हैं और परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन एक ही हैं, तो उसे समस्थानिक यानी आइसोटोप कहा जाएगा। ये चले हम आगे देखते हैं, 29 में, बहुत बढ़िया। देखिए ये प्रश्न है यूपी स्पेशल से, कितना बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है ये। उत्तर प्रदेश में एक एक जिला एक उत्पाद ODOP, ये सन 2018 24 जनवरी 2018 में लॉन्च हुआ था ODOP, एक जिला एक उत्पाद, इसलिए बना था कि यूपी के 75 जिलों को कम से कम एक उत्पाद में विश्व परिस्पर्श मतलब इस मतलब निर्यात में उसे एक कॉम्पिटेटिव टाइप के देना, मतलब एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप देना था। तो एक एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हमें पता है साथियों, हमें चाहे कुछ आता हो न आता हो, लेकिन एक चीज़ तो हमें ज़रूर आता है, कांच उत्पादन जो है वो फिरोजाबाद में होता है। फिरोजा यूपी का जो फिरोजाबाद जिला है वो कांच उत्पादन में जो है आता है, तो यहाँ बुलंदशहर दे दिया है, यही गलत है, यहाँ पर फिरोजाबाद होना चाहिए था, फिरोजाबाद, तो यही गलत था। तो बाकी सब सही है अपनी जगह पे, बस्ती, काष्ठ शिल्प, प्रयागराज, मंजू उत्पादन, महाराजगंज ये जो दिया है ये फर्नीचर में। आगे चले हम 30 में, देखते हैं क्या है साथियों 30वें वाले में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो पहला दिया है साथियों, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6% से अधिक पर वन है, यानी यूपी का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उस पर 6% से अधिक
पर 6% से अधिक पर वन है। ये तो सही बात है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन आवरण वाला जिला भदोही है। यस, ऑप्शन नंबर बी सही है दोनों। तो यानी यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही है हमारा, ये हो जाएगा सी उत्तर। 31 में देखते हैं, सितंबर 2023 में मोहम्मद मोइजू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो मोहम्मद मोइजू साथियों, ये मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इन्हीं का भी मामला चला था, मालदीव का जो प्रधानमंत्री का मामला झगड़े का था, चल रहा था अभी भारत से, जो प्रधानमंत्री वहां गए थे टूरिज्म पे। ये हो जाएगा उत्तर। आगे देखें, 32, हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है? तो साझियों, यहाँ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें, 33 में, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ने का और उनका भक्षण करते हैं? तो हमें पता है कीट भक्षी पौधे होते हैं, यानी उन कीटों उनमें जब जाते हैं, कीट बैठता है तो उनके फूल जो है पत्ती होती बंद हो जाते हैं, कीट मर जाते हैं, जिसके कारण उसमें नाइट्रोजन कमी होती है, तो नाइट्रोजन कमी पूरा हो जाता है। तो ऑप्शन बी, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों को पकड़ कर मार कर अपना नाइट्रोजन का कमी को पूरा करते हैं। आगे देखें हम लोग 34 वाले में, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न, ये कई बार यहाँ पर पूछा गया है आपको, कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह का बहुत प्रश्न दिए जाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं, और प्रथम महिला भी थी ये, ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पीडी टंडन यानी पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये भी सही है। तो गलत कहाँ है साथियों, जब तीन हमें क्लियर है, ये तीन सही है, तो गलत यही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संपूर्णानंद नहीं थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, उसके बाद ये संपूर्णानंद हुए। तो ऐसे आप ट्रिक याद रख लीजिए, ले गोविंद बल्लभ पंत, उसके बाद आए संपूर्णानंद। तो आगे पढ़े हम लोग, 35 में चले, बहुत बढ़िया प्रश्न, देखें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो एजेंडा 21 साथियों, यह जो है सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21वीं सदी में सतत विकास और विश्व पर्यावरण संरक्षण की एक कार्य योजना है। आगे बढ़ें, 36 में क्या है, उत्तर प्रदेश की जनजातियों और उनके जिलों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित जिला दिया है, कौन सा जिला सही नहीं है इसी को हमें बताना है 36 वाले में। तो परहिया जनजाति, यह सोनभद्र से संबंधित है, ये तो सही है, लेकिन हमें गलत पूछा है, कौन सा गलत है? तो और सरहिया, ये भी ललितपुर से है, तो ये ललितपुर से, ये सोनभद्र से, ये ललितपुर से, और अगरिया यहाँ पर दिया है, अगरिया यहाँ पर साथियों सोनभद्र से है, देवरिया से नहीं है। तो इसी धुन पर ये भी नाम दे दिया, सोचे बच्चे लगा देंगे, तो यही गलत है। तो यहाँ पर ये सोनभद्र से संबंधित है, ये वाले सोनभद्र, यही सोनभद्र में अगरिया भी पाया जाता है, बाकी ये चेरो है, ये वाराणसी और सोनभद्र दोनों में पाया जाता है। तो यही गलत था हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 37 में, देखिए यहाँ पर क्या है, बढ़िया प्रश्न, सूची एक और दो को हमें मिला देना है। तो हमें मिलाना है किससे कौन संबंधित था, तो गोवा से हमें पता है, पुर्तगाली आए थे, गोवा पे कब्जा किए थे, सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में यही गए थे, तो ये इससे है, और पांडिचेरी से फ्रेंच संबंधित हैं, ये है। और अब देखें हमारा दो से काम बनता है, ए दो पर
बी तीन पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दो ही से काम चल गया और सी जो है यह है तीन पर आ जाएगा, ये जो सी चार पे आ जाएगा और ये जो डी है वो एक पर चला जाएगा। तो यही हमारा ए उत्तर होगा 37 का। आगे बढ़ें 38 में देख लेते हैं, ये एक दो को फिर इसमें मिलाने वाला प्रश्न है, देखते हैं क्या है। भारत का सुदूर बिंदु दिया है, यानी सबसे अंत बिंदु और अवस्थित, वो कहाँ अवस्थित है इसे बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छा प्रश्न, सुदूर उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कोल है सबसे उत्तरी, और सबसे दक्षिणी क्या है भारत का? सबसे दक्षिणी तो इंदिरा पॉइंट है, और सबसे पश्चिमी क्या है? सबसे पश्चिमी यह गुजरात में गुहार मोती है, और सबसे पूर्वी यह अरुणाचल प्रदेश का किबीथू है। तो इस हिसाब से 38वें का अगर हम लोग देखें हमारा उत्तर कौन है, तो यह सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए तीन, बी एक, सी चार और डी दो। आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया प्रश्न, देखें क्या है इसमें। निम्नलिखित में से काली मृदा के विषय में कौन सा कथन सही है? तो काली मिट्टी के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों पर विचार करके हमें बताना है सही उत्तर को चुन लेना है। तो यह मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती है, जी बिल्कुल सत्य है, इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की अधिकता होती, नहीं भाई इसी की तो कमी होती है, तो इसी की कमी होती है, अधिकता नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा, केवल हमारा उत्तर नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ें 40, देखें क्या है इसमें। 12 अक्टूबर 2023 को जारी वैश्विक भूख सूचकांक के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, यह कथन क्या कह रहा है? यह सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, सबको पता है यही दो संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं, ये तो सही है। इस सूचकांक में भारत को 125 देशों में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है, जी बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर सी सत्य है, बहुत बढ़िया। आगे देखें हम लोग 41 में, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र अवरोही क्रम में महानदी नर्मदा, गंगा तथा कृष्णा का सही अनुक्रम क्या है? यानी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को हमें अवरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके हमें सजा देना है। तो 41वां जो हमारा है साथियों, सबसे ज़्यादा हमें पता है जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, गंगा का है, गंगा पहले नंबर पर होना चाहिए, तो ये तो पहले चला जाएगा, तो गंगा पहले नंबर पर, उसके बाद कृष्णा, महानदी, नर्मदा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41वें का। आगे बढ़ें 42, देखें 42 में क्या कह रहा है। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, जो किसान आंदोलन चलाए गए थे उनके प्रभाव क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। तो कौन से जो है किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कहाँ चलाए थे, इसे हमें मैच कराना है। तो देखिए हमें कैसे पता है, सहजानंद सरस्वती हमें सबसे पहले पता है ये बिहार में चलाए थे, तो ए हमारा तीन पे होना चाहिए, मिल गया हमें एक ही से उत्तर पता चल गया, यही बी होगा, क्योंकि बी पर ही ए तीन पर है। और एक यहाँ और है, खुदाई खिदमतगार, ये NWPF यानी उत्तर NW उत्तर पश्चिम फ्रंटियर यानी सीमा प्रांत, इसका ये है, ये खुदाई खिदमतगार हो जाएंगे यहाँ पर, ये इनसे हो गया यानी बी चार पे हो गया, और स्वामी सहजानंद, ये स्वामी सहजानंद है, ये दूसरे पर ही स्वामी रामानंद है, सॉरी, तो ये सी वाला आ जाएगा, ये दो पर, और अब्दुल हमीद खान ये हैदराबाद एक पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमने गलत मिला दिया, ए वाला तो तीन पर चला गया, बी वाला चार पे, और सी वाला एक पे जाएगा, स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल हमीद दक्षिणी असम में, मैंने मिला दिया है उत्तर, यही होगा, पता लग जाएगा। 42 देखें,
43 में। देखिए इसमें क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को कालक्रम में सजाना है, तो इसी को सजा देना है कब कब कौन कौन हुआ था। तो हमें पता है होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में ही, लेकिन जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। तो इसका मतलब सीधा के सीधा सब ऐसे ही इसी ऑर्डर में हुए हैं ये सब घटनाएं। तो ऑप्शन नंबर ए सत्य है हमारा। 44 भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 के संबंध पर विचार कीजिए। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 के संबंध में विचार करके सही कथन को बताना है। तो 25 से 23 सितंबर के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। नहीं भाई, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया गया था, हिंडन नदी के किनारे। तो ये हो, इसका ये होना चाहिए उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन भारतीय युवा सेना और DRDO द्वारा किया गया था। नहीं मेरे भाई, इसका आयोजन भारतीय युवा सेना और एक ड्रोन से रिलेटेड कोई संस्था है उससे हुआ था, लेकिन DRDO से नहीं हुआ था। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन गलत हैं, डी हो जाएगा उत्तर हमारा। आगे बढ़ें, 45 देखें इसमें क्या है। 45 वाले में हमें वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन को पढ़ लें, शीत ऋतु में भारत में उत्तरी पूर्वी व्यापारी पौने प्रवाहित होती हैं। शीत ऋतु में भारत में उत्तरी पूर्वी व्यापारी पौने प्रवाहित होती हैं, जी बिल्कुल सही कह रहा है। इन पवनों का प्रभाव देश के अधिकतर भाग में आर्द्र मौसम रहता है। नहीं मेरे भाई, जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं यह स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जब स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यह शुष्क पवनें होती हैं, इनमें आर्द्रता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ये गलत हो गया। तो केवल ए सही है, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें, 46 खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तीन राज्य भारत में बॉक्साइट के क्रमशः शीर्ष उत्पादक हैं। तो बॉक्साइट के तीन शीर्ष उत्पादक राज्यों का नाम बताना है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 22-23 के अनुसार। तो सबसे पहले साथियों ओडिशा, गुजरात, झारखंड, यही शीर्ष तीन राज्य हैं। डी हो जाएगा उत्तर ये। 47 एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है, तारामंडल को ही नक्षत्र बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें मिलान वाला प्रश्न, देखें बहुत बढ़िया, यहाँ पर दिया है सूची एक में पर्वत और सूची दो में दिया है कौन सा पर्वत देश से संबंधित है उसी को मिला देना है। तो साथियों अलेघनी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, ये हो जाएगा। और कैंटाब्रियन साथियों ये स्पेन से संबंधित है, स्पेन में है, ये यहाँ से हो जाएगा। और मैकेंजी कनाडा से संबंधित है, बचा हमारा एक अलबुर्ज, ये ईरान से हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ए चार पे होना चाहिए, बी तीन पे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य हो जाएगा, डी एक पर बिल्कुल सही। आगे बढ़े हम लोग, 49 में ही देखते हैं हम लोग, एक तरफ यहाँ अनुसंधान संस्थान दिया है और दूसरी तरफ अवस्थिति उसका लोकेशन दिया है कौन कहाँ पर है। तो साथियों केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये दिया है, ये कहाँ पर है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, दूसरा में दिया है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। और ये भी मान लीजिए हमें नहीं आता है, हमें एक तो आता है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है उत्तर प्रदेश के, तो ये एक पर चला जाएगा, तो सी एक पर होना चाहिए, तो सी एक पर होना चाहिए। देखें
हमारा यहीं पर है ऑप्शन नंबर बी में, उत्तर कब लिया, और हम लोग एक ऑप्शन से उत्तर को पता कर लिए, हमारा उत्तर यही होगा। अब हम पता कर लेंगे तो ए हमारा तीन पे आएगा, ए हमारा तीन पे चला आएगा, बी हमारा चार पे चला आएगा और सी हमारा दो पे चला आएगा, डी डी दो पे चला आएगा। इस तरह से हम लोग आंसर पता कर लेंगे। आगे देखें 50 मिलाने वाले में एक नहीं आ रहा है, दो, मतलब पूरा पढ़ोगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। भारत की झीलों के बारे में कुछ कथनों में से कौन सा असत्य है, तो भारत की झीलों के बारे में कौन सा कथन असत्य है उसी पर हमें बताना है। तो यहाँ पर ये मल्टीपल ऑप्शन है, इसका विकल्प नीचे दिया गया है। तो हमें पहले देखना है ये कोलेरू आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जी सही है, ये तो सही है। वेम्बनाथ केरल की सबसे बड़ी झील है, ये भी सही है। और चिल्का झील उड़ीसा राज्य में खारे पानी की लैगून झील, ये भी सही है। और पुलिकट झील तेलंगाना आंध्र प्रदेश सीमा पर स्थित है, नहीं भाई ये जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना पर नहीं है, ये 50वां में हमें जो चौथा दिया है ये वाला गलत है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर अवस्थित है, तो यहाँ तमिलनाडु होना चाहिए था, इसलिए जिसमें चौथा होगा वो गलत होगा। हम लोग पिछले ऑप्शन को देखते हैं, जिसमें चार होगा वो गलत है। तो देखें इसमें चार ये गलत, इसमें चार ये गलत, एक और तीन केवल सही है ये वाले, तो दो भी वहाँ गड़बड़ था, एक और तीन केवल सही है यहाँ पर। तो हमारा 50 वाला जो उत्तर है वह डी हो जाएगा। अच्छा असत्य पूछ रहा था ना, सॉरी असत्य पूछ रहा था, तो असत्य केवल चौथे में है, वही जो मैंने बताया, भूल जाते हैं हम लोग, ध्यान देना पड़ेगा सत्य पूछ रहा है का सत्य। 51 वाले में देखें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है, तो प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी में किस तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ चार चीज़ें दिया गया, लेमन ग्रास, कांग्रेस ग्रास, नट घास, एलिफेंटा घास। तो 51 वाले में साथियों लेमन ग्रास से सेट्रुलेना नामक तेल निकाला जाता है, उसी से ये मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में उसका जो है प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। आगे देखें हम लोग 52 में, देखें 52 मालम क्या कह रहा है, एक तरफ नदियां दिया है और दूसरी तरफ वो कहाँ प्रवाहित होती हैं वो नाम दिया गया है, तो उसी को हमें मिला देना है यहाँ पर। बहुत बढ़िया है, यहाँ पर देखते हैं कहाँ से है, तो लीना नदी ये जो है रूस में है, यह जो है आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है, तो ये आ जाएगा 2 पर। तो हम पता चल गया उत्तर हमारा ए होगा, क्योंकि 2 ए ही पर है और कहीं नहीं है, और हम आगे पता करना चाहें तो बी 4 पे मिला दें, इसी से हम लोग उत्तर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया यही उत्तर ही होगा, और ये बी वाला वो चला जाएगा 4 पे, आमूर प्रशांत महासागर में। आमूर कहाँ की नदी है, यह मंगोलिया रूस चीन में बहती है। टिग्रिस, टिग्रिस 1 पे चलाएगा, फारस की खाड़ी में गिरती है, कहाँ है ये, सीरिया इराक जैसे है। और माही तो मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात, ये तो बहुत है अरब सागर में गिरती है। आगे देखें 53 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो चारों कथनों को पढ़ लेना है, मैं पढ़कर बताना है कौन सा सही, उसके हिसाब से बताना है। चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादन है सबसे ज़्यादा, जी सही है बिल्कुल। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, यूक्रेन में एक डोनेट्स है बेसिन, वो कोयला उत्पादक का बहुत बड़ा क्षेत्र, ये भी सही है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है, जी यानी सभी के सभी ऑप्शन यहाँ हमारा सत्य हैं, उपर्युक्त में से सभी, डी हो जाएगा उत्तर। 54 कूट एक देखें, हड़प्पा स्थल दिया है और वो स्थल कहाँ से संबंधित है, किस नदी के किनारे, वो दिया है, तो इसी से हमें ये पता लगाना है मिलाकर,
कहाँ कौन से संबंधित हैं। तो देखें साथियों, यहाँ पर एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा क्लियर है, लोथल भगवा नदी के किनारे है गुजरात में, ये हो जाएगा। और ये पैठन, पैठन यहाँ पर ये जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है, और दयमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित, और हमारा एक बच रहा है दधेरी, ये हो जाएगा पर्ववर्ती हड़प्पी स्थल। मैंने सभी को मिला दिया है, आप लोग आंसर में मिला सकते हैं। एक दो पर, डी बी वाला एक पर, और सी चार पे। तो देखें बी एक पर, सी चार पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यही उत्तर है। आगे देखें 55 में, देखें एसआई यूनिट कुछ दिया है, इसी एसआई यूनिट को देखा है हमें कौन सा सुमेलित नहीं है वही बताना है। तो कार का मात्रक एसआई मात्रक जूल, यस सही है ये तो। बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, यहाँ दाब जो है साथियों, ये दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, यह डाइन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यही गलत है हमारा 55वां। ये डाइन जो होता है ये बल का मात्रक होता है वो सीजीएस प्रणाली में। आगे बढ़ें 56 में, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो निर्वात में ध्वनि का वेग तो सबसे होता ही नहीं है, निर्वात में ध्वनि आगे ही नहीं बढ़ेगी, ये हो जाएगा। और ध्वनि की चाल हमें पता है ये माध्यम की, यानी किसी कोई ना कोई माध्यम रहेगा तभी ये आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। तो ध्वनि जो होती है गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी होती है, तो यहाँ पर वायु में धीमी होगी, यहाँ सबसे ज़्यादा इस्पात में, जल में, वायु में, इस हिसाब से। तो अधिकतम कहाँ होगा? इस्पात में होना चाहिए। 56 का डी होगा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, स्टील में। 57 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो सही है उसी को हमें मिला देना है। तो देखें वैदिक देवताओं को पुरोहित, वैदिक देवताओं का पुरोहित अग्नि को माना गया है, नहीं मेरे भाई ये बृहस्पति को माना गया था पुरोहित, तो ये गलत हो गया हमारा, बृहस्पति को याद रखिएगा, तो अग्नि को नहीं। उपनिषद काल के राजा अशुपति विदेह के शासक थे, सही। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण होता था, गले का हार होता था, ये सही, यानी 2-3 सही है हमारा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कौन सा कथन सही है? तो सही है तो एक जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा, तो मान लीजिए हमें क्लियर नहीं है तो एक ये गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, और हमारा सही कौन होगा 57 वाले में? तो सही एक ही है, ये 3 केवल सही होगा, ए भी गलत है, ये 2 वाला भी गलत है, उपनिषद के राजा अश्वपति विदेह शासक नहीं थे। तो ये हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2023 के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर दे देना है। तो देखें इस वर्ष का जो चिकित्सा में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो मेडिकल जो नोबल पुरस्कार मिला है वो मिला है कैटालिना कारी को और ड्रू विस्मैन को, इन दोनों को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार, ये तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है, क्यों मिला था, उसने क्या किया था? तो mRNA से रिलेटेड जो वैक्सीन तकनीक का विकास हुआ था उसमें इनका योगदान था। तो दोनों के दोनों हमारा कथन सही है, सही है। भारत के किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? तो चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है। लोकायत दर्शन का मतलब ये ऐसा दर्शन है जो लोक को महत्व देता है पर लोक को नहीं, जैसे खाओ पियो उधार लेकर घी पियो, यहीं पर जो कुछ करना है मरना जीना यहीं पर है भोग है। तो इस तरह से हमारा चार्वाक हो जाएगा, उनका दर्शन इस तरह से है। 60 में हमारा देखें क्या है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखें 61 में, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया 61 वाले में? तो इल्तुमिस साथियों, इसके पहले यह इल्तुमिस ही ऐसा था जो सल्तनत को दिल्ली का राजधानी बनाया। आगे देखें हम लोग 62 में, तो हमारा यहाँ पर कहाँ पहुँचे थे, हमें 62 वाला देखना है। तो 62 वाले में मिलान से रिलेटेड प्रश्न है। देखें क्या है हमारा, सूची एक और सूची दो को हमें मिला देना है। तो एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, चित्तौड़ के मतलब किससे संबंधित है, राणा रतन सिंह। आप लोग मूवी देखे होंगे अगर, जो आई थी सन 2017 में, जिस पर बवाल हुआ था पद्मावत, तो उसमें चित्तौड़ का राजा राणा रतन सिंह है। तो ये हो जाएगा बी वाला, इस पर चला आएगा, यानी बी 4 पे होगा। तो देख रहे हैं इन तीनों में से उत्तर होगा, ए वाला नहीं होगा। और यहाँ पर हमारा एक दिया है रणथंभौर ये कहाँ का राजा था, ये हमीर देव का था। तो रणथंभौर हमीर देव से रिलेटेड, ये हो जाएगा देवगिरी ये राजा रामचंद्र, इससे हो जाएगा। और गुजरात के कर्ण देव, तो ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा डी एक पर हो जाएगा, तो ये ख़त्म होगा और सी 2 पर आएगा, ये वाला सी पर 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा, और फिर यहाँ पर जो दिया है रणथंभौर, ए 3 पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। इससे आगे बढ़ें, देखिए हम लोग क्या है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, यानी महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि, किस वंश के समय से संबंधित हैं, मौर्यंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, किससे संबंधित हैं? तो ये शुंग वंश से संबंधित है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ये रहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा उत्तर होगा। 64 वाला है, किताबुल यामिनी का लेखक कौन था? तो उत्बी था, ऑप्शन नंबर ए। 65 में देखते हैं, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो वर्ष 2023 में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, तो ये उत्तर सही होगा हमारा। 66 में देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग बड़ा करें, देखें यहाँ पर अधिकारी दिया है पहली सूची में, दूसरी में दिया है विविध कर्तव्य, उसका कर्तव्य क्या हुआ करता था, इससे है। तो दीवाने तन अधिकारी होता था, इसका काम यही था कि जागीर और वेतन ये देखने का काम इसका होता था। और यहाँ पर दिया है मुस्तारफी जो होता था साथियों, यह राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। तो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने वाला ये था। और मुशरिफ जो था, ये कार्यालय को, यानी जो कार्यालय था उसको कंट्रोल करने का काम किया करता था, तो ये इस पर हो जाएगा। और बचा हमारा एक, प्रमुख घटनाओं फरमानों को सूचीबद्ध करना, तो ये वाक्यान्वित। तो हमारा अब देखते हैं उत्तर कैसे सेट होगा, ए हमारा 3 पे आना चाहिए, तो देखें बी में ही दिया है, केवल बी में ही 3 ए पर है और कहीं नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें 67 में, कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन हमारा सही है उसी को हमें बताना है। तो यहाँ पर पहला कथन हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या है, विदेशी यात्री फ्रांसिस्को पेल्सर्ट शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। तो नहीं भाई, ये शाहजहाँ के बाप यानी जहांगीर के शासनकाल में आया था, तो ये तो गलत हो गया, वह पुर्तगाल का था। तो वह पुर्तगाल का नहीं था साथियों, वह डच पर्यटक था।
तो वो डच का था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर कौन सा होगा, सही पूछा है तो सही ही हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। 68 वाले में देख लेते हैं, देखें 68 में एक तरफ कुछ संत दिया है, दूसरी तरफ वो किस सिलसिले से संबंधित थे वो दिया है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करें। तो शेख निजामुद्दीन अवलिया जो थे साथियों, ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे, तो ये हो जाएगा दो पर। और एक है बहाउद्दीन जाकरिया, ये बहुत फेमस है, ये सुराहवर्दी सिलसिला से संबंधित है, तो इससे हो जाएंगे। अब हम लोग देखें इससे हमारा काम बन रहा है कि नहीं, डी एक पर, एक दो पर, तो बन जाएगा काम हमारा, उत्तर सी होगा, यही होगा हमारा। बाकी बी तीन पे आ जाएगा और सी चार पे। आगे बढ़े हम लोग 59। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 2023 के वर्ल्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है और उसके इधर कुछ घोषणा, मतलब घोषणाकर्ता का नाम है। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो कौन सा इससे रिलेटेड है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। तो देखें हेल्यूसिनेट कैम्ब्रिज डिक्शनरी से संबंधित है, रिज ऑक्सफोर्ड से संबंधित है, AI मरियम वेबस्टर से। यहाँ पर ये गलत है, ये सी वाला गलत है, यहाँ पर जो ये है 60 ये इसमें, तो ये वाला गलत है, जो AI है वो कोलिंग्स इंग्लिश डिक्शनरी से संबंधित है, तो यही गलत है, बाकी सब सही है अपनी जगह पे। आगे देखें 70 में, क्या है, एक और दो सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को उत्तर चुनना है हमें। तो एक तरफ विदेशी यात्री और दूसरी तरफ देश, तो कौन सा विदेशी यात्री किस देश से था इसे हमें मिलान करना है। तो देखें हमें निकोलो डी कांटी ये इटली का था, डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था, और ये देखें हमारा दो से काम बन जा रहा है, तो बी जो है तीन पे जाएगा, बी तीन पे जाएगा और सी चार पे जाएगा, तो बी तीन सी चार यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यानी अब हमें पता लग गया ए दो पर जाएगा और ट्रेवर्नियस एक पे आएगा, इस तरह से हम लोग कर लेंगे एलिमिनेट करके। 71 में देख लेते हैं क्या है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, कथनों को पहचान करना है। कथनों को पहचान करें साथियों, क्या है, मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, 71 वाला बहुत अच्छा प्रश्न, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, तो ये तो सही है, दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने मनसब में जात शब्द को जोड़ा था, नहीं मेरे भाई, उसने जात शब्द को नहीं जोड़ा था 71वां में, ये हमारा ये दो गलत हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ दो होगा वो गलत हो जाएगा, ये गलत ये गलत ये गलत, उत्तर हमारा ये बी हो जाएगा। साथियों अकबर ने मनसब में सवार शब्द को जोड़ा था, जात नहीं, सवार, तो देखें कितने आसानी से हम लोग उत्तर पा गए, बी होगा। 72 देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश यानी उस समय के संयुक्त प्रांत माना जाता नाम था उत्तर प्रदेश का, तो किस वर्ष में आरंभ हुआ था, 1866 में। आगे बढ़ें, मानवाधिकार दिवस 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सही बात, इसकी थीम सभी के लिए समानता और न्याय था, तो 73 वाला जो हमारा उत्तर होगा साथियों, ये हमारा दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर ये सी। आगे बढ़े 74, मिलाएंगे अगर हम लोग 74 में, क्या है, सूची एक सूची दो को मिलाना है, तो साथियों हमें देखते हैं क्या है, कुछ डिवाइस हैं और वो कहाँ किस काम में ली जाती हैं उसे है, तो इसी से हमें मिला देना है साथियों, कौन कैसा कहाँ कैसे मिलेगा यही हमें करना है। तो देखें क्या है, अल्टीमीटर,
अल्टीमीटर साथियों जो होता है वो समुद्र की सतह से ऊंचाई मापने काम किया जाता है, ये हो जाएगा इसका, ये तो ये है। और हम लोग देखें क्या है और आगे इसके, अल्टीमीटर का उपयोग तो इसमें हो जाता है ऊंचाई मापने के लिए, लक्स मीटर का उपयोग साथियों प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और रिंगल मैन स्केल धुएं का घनत्व, और ये यहाँ पर चला आएगा कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता, कैरेट होता है सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेट होता है, तो कैरेटोमीटर इसी से है। तो वहाँ पर डी उत्तर हमारा। आगे देखें 75 में, देखें साथियों 75 में यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 केल्विन पढ़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन यानी रीडिंग क्या होगी। तो साथियों देखें केल्विन और जो है डॉक्टर का थर्मामीटर हमें पता है फारेनहाइट में होता है, तो फारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन निकालने के लिए फार्मूला होता है फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू केल्विन माइनस 273 प्लस 32 32 है। तो केल्विन यहाँ 273 है, 273 यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फारेनहाइट इक्वल टू 32 आ जाएगा, तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 32 डिग्री 32 फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट। आगे देखें 75 76 में, साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है। तो साबुन में जो बुलबुले के साबुन के जो बुलबुले होते हैं उसमें रंग जो बनता है वो किसका उदाहरण है साथियों, प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आगे देखें 77 में, अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन ताप पर होती है, तो अर्धचालक जो होते हैं साथियों सेमीकंडक्टर, अगर उनको 0 केल्विन पर रखा जाएगा तो वो अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी 0 उनकी चालकता 0 हो जाएगी। आगे देखें 78 में, कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है, बखीरा वन जीव अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के जिले में उन्नाव नहीं है, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर दे दिया है साथियों, यह ललितपुर नहीं होगा, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर जिले में है, ये भी गलत है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है उत्तर प्रदेश के, यही सही है, और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती में नहीं है साथियों, ये महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है, ये भी निगलत होगा, ऑप्शन सी केवल सत्य है। देखें परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के उपयोग के बारे में दिया है, तो ट्रांसफार्मर साथियों निम्न बोल्ट को उच्च बोल्ट में और उच्च बोल्ट को निम्न बोल्ट में परिवर्तित करने का काम दोनों में होता है, यानी वोल्टेज को चेंज करता है, तो ये सही है। दिष्ट धारा यानी डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, नहीं भाई ये ट्रांसफार्मर का काम नहीं है, जो डीसी को एसी में बदलता है वो इन्वर्टर का काम होता है, तो ट्रांसफार्मर का काम केवल ए है, ऑप्शन नंबर ए। 80 में देखते हैं क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के अगले प्रमुख रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार द्वारा नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है साथियों, समीर शाह को, ऑप्शन नंबर ए, बीबीसी के अगले प्रमुख रूप भारतीय मूल के व्यक्ति। तो देखें हमारा अगला क्या है, यहाँ पर सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, सौर मंडल के संबंध में कथन दिया है, कौन सा संबंध सही है। तो देखें यहाँ पर साथियों हमें एक चीज पहले हम यहाँ से देख लें, सौर पवनों के कारण उत्तरी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाले चमक को अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहा जाता है, तो ये गलत है, ये अरोरा बोरालिसिस बोला जाता है इसको, तो ऑस्ट्रेलिसिस नहीं, यहाँ पर ये बोरियालिस होना चाहिए था, ऑस्ट्रेलिसिस ये दक्षिणी ध्रुव पर होता है, तो जिसमें चार होगा वो गलत, ये गलत ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा 81 का वो हो जाएगा 1-2,
यानी ये वाला सही है और ये वाला। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। आगे चलें 82 में, 82 इसमें क्या कह रहा है, कौन सा लारेशिया का भाग नहीं है। तो लारेशिया का भाग मतलब यहाँ पर साथियों कौन सा नहीं है, तो हमें पता है जब पंजिया मतलब वो विभाजन हुआ था तो उत्तरी भाग को लारेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। उत्तरी भाग को लारेशिया कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो लारेशिया यानी उत्तरी भाग में ये मेडागास्कर यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो 82 में हमारा जो उत्तर होगा बी हो जाएगा। आगे चलें 83 में, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो उत्खनित प्रमाण जो खनन के माध्यम से जो हमें कुछ साक्ष्य मिले उसके हिसाब से ये पता लगाया पशुपालन सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये पता लगाएगा। तो साथियों मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगे। इस काल में पशुपालन के साक्ष्य साथियों हमें पता है मध्य प्रदेश के एक होशंगाबाद है वहाँ से आया, और आदमगढ़ से आया, और ऐसे कई जगहों से आए हमें जो मिला, ये इसलिए जिससे पता लगा कि हाँ यहाँ पशुपालन होता था। तो इस हिसाब से मध्य पाषाण काल में हमारा उत्तर होगा 84। 84 में क्या है देखते हैं, एक तरफ हमें सम्राट है दूसरी तरफ उनके उपनाम है, तो इस तरह से हमें मिलाना है। बहुत बढ़िया, देखें अशोक को प्रियदर्शिन बोला जाता था, समुद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, और यहाँ पर समुद्रगुप्त को परक्रमांक, स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। इस हिसाब से हमारा 1-2 पर आएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा बी 1 पर, सी 4 और डी 3। आगे हम लोग बढ़ते हैं 85 में, देखें इसमें भी मिलान वाला है, इसको अगर हम लोग मिलाएं तो क्या है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया है, तो सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसे हमें मिला देना है। कोनराड असंबद्धता, हमें पता है ये जो क्रस्ट होता है पृथ्वी का, इसको क्रस्ट को दो भागों में विभाजित जो किया जाता है, क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होगा यहाँ, फिर कोर होगा। तो इस हिसाब से जो क्रस्ट को दो भागों में विभाजित करता है कोनराड होता है, तो ये यहाँ चला आएगा ए 3 पर, ऑप्शन नंबर ए उत्तर भी हो जाएगा, बता दिया पहले। मोहो संबद्धता जो होता है वो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, तो ये 1 पर चला आएगा, और गुटेनबर्ग जो है ये 2 पर आएगा, और लेहमान ये तो यहाँ पर 4 पे चला आएगा। तो इस हिसाब से होगा हमारा। आगे चलें 86, अगस्त 2023 में टेस्ला कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया। तो वैभव तनेजा को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। 87 में देखें, वलित पर्वत के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और सही कथन हमें बताना है पढ़ के। तो क्या है, ये भूतल के नवीन वलित पर्वत हैं। तो यस, जो वलित पर्वत हैं या पृथ्वी के नवीनतम पर्वत हैं, जैसे हिमालय हो गया, ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है, तो जिसमें विश्व की उच्चतम चोटियां पाई जाती हैं। जी सही है, इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के दबाव पड़ने के फलस्वरूप हुआ है। तो ये 87वां में जो प्रश्न है साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 87, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यही उत्तर होगा। ये गलत होगा क्योंकि ये आग्नेय नहीं अवसादी चट्टानों के दबाव पड़ने से हुआ है, तो ये हमारा 87 का उत्तर ए हो जाएगा। आगे पढ़े हम लोग 88। 88 में साथियों हमारा क्या है, इसमें एक तरफ दिया है बुद्ध के जीवन संबंधित घटना और दूसरी तरफ दिया उनके प्रतीक चिन्ह। तो जन्म हमें पता है ये कमल से संबंधित है, और क्रिय त्याग जो है वो घोड़ा से संबंधित है। अब दो ही से हम लोग उत्तर का पता लगाना चाहें तो एक जो है 4 पे होना चाहिए और डी है वो 3 पे होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, और सी 2 पर बोधि धर्मचक्र प्रवर्तन,
और प्रथम प्रवचन यहाँ पर ये एक हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग 89। देखें हम लोग 89 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध मतलब वो जलीय तट से नहीं है, वह स्थल से घिरा हुआ है। दक्षिणी सूडान, लाओस, अफगानिस्तान, बोलीविया, ये सब के सब स्थल रुद्ध देश हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखें हम लोग 90 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मौसम से संबंधित समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। यस, ओजोन परत का संकेंद्रण तापमंडल में समताप मंडल पाया जाता है। यस, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा उत्तर। 91 में, तो साथियों हम लोग जो है 90 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 90 तक देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग देख लिए हैं और बाकी हमारा जो 60 क्वेश्चन बचा है तो उसे हम लोग अगले टेस्ट सीरीज में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपको, हमें अपलोड करने में आपको देखने में समस्या होगी, तो छोटा छोटा वीडियो होगा सही होगा। तो इसका जो हम लोग सेकेंड पार्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग इसे अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।